स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल किरण नुमेरो वास्तु में। आज की ये वीडियो में आपको वास्तु डायरेक्शंस के लिए वास्तु डायरेक्शंस जो हैं नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट इन डायरेक्शंस में आपको कौन सी वॉल पेंटिंग्स लगानी चाहिए या कौन से फेंगशुई के अकॉर्डिंग आपको ऐसी कौन सी डेकोरेटिव आइटम्स रखनी चाहिए जो रखने से आपके गुड लक को आपकी हेल्थ को वेल्थ को प्रॉस्पेरिटी को हैप्पीनेस को एनहांस करेगी। कुछ आपको टिप्स मैं ऐसे देने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सो और बेल आइकॉन का पर जो बटन है आप उसको ज़रूर हिट करें ताकि मेरी नई इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज़ हैं उसकी जानकारी आपको मिलती रहे। मेरा वेबसाइट है, आप उस पर लॉग इन कर सकते हैं। मुझे फेसबुक पेज पर मेरे को आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आपको कौन से वॉल पेंटिंग्स या कौन सी डेकोरेटिव आइटम्स आपको कहाँ रखनी चाहिए उसके बारे में बात की थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे बात की थी ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आपको कौन से वॉल पेंटिंग्स लगाने चाहिए जो आपके गुड लक हेल्थ वेल्थ प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस को एनहांस करेंगे या कौन सी फेंगशुई के अकॉर्डिंग आपको डेकोरेटिव आइटम्स वहां पे रखनी चाहिए जो आपकी इन सब चीज़ों को पॉजिटिव करेंगे और ज़्यादा एनहांस करेंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेस करेंगे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे बात करने वाली हूँ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन की। ईस्ट नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट हम कर चुके हैं, आज मैं बात आपसे करने वाली हूँ नॉर्थ वेस्ट की। थैंक यू सो मच वीडियोस को इतना अप्रिशिएट करने के लिए। बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बीच में छूट जाती हैं, नहीं बताई जाती हैं, इसलिए मैं डायरेक्शंस दो दो तीन तीन करके ले रही हूँ ताकि डिटेल में मैं आपसे उनके बारे में सारी बात कर सकूँ। आज हम बात करने वाले हैं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन की। नॉर्थ वेस्ट जिसे हम बोलेंगे एयर एलिमेंट की दिशा, वायु की, वायु तत्व की दिशा ये मानी जाती है। और इस दिशा में हम मैं आपको कहूंगी कि आप कुछ ऐसी वॉल पेंटिंग्स लगाएं या कुछ डेकोरेटिव आइटम्स ऐसी रखें वहां पर जो स्पीड से रिलेटेड हो। वायु की स्पीड होती है ना, बहुत फास्ट होती है स्पीड, तो उससे रिलेटेड आप यहां पर वॉल पेंटिंग्स रख सकते हैं या कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स रख सकते हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, आप यहां पर वायु की गति से, जैसे मैंने बोला कि स्पीड से रिलेटेड कोई भी आप वॉल पेंटिंग, जैसे आप एरोप्लेन की लगा सकते हैं, या फिर मैं आपको कहूंगी कि बहुत सारे घरों में आपने देखा होगा कि भागते हुए सफेद घोड़ों की तस्वीरें लोगों ने लगाई होती हैं, वो किसी भी डायरेक्शन में लगा देते हैं उनको क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लगते हैं व्हाइट हॉर्सेस भागते हुए, लेकिन किसी भी डायरेक्शन पे वो पेंटिंग नहीं होनी चाहिए। वो पेंटिंग आपकी होनी चाहिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। अगर आपका ऑफिस यहाँ पर है तो आप ऑफिस की नॉर्थ वेस्ट की वॉल पर ये पेंटिंग लगाएं, फिर चाहे आप किसी भी फील्ड में हो ये पेंटिंग वहां आपको सपोर्ट करेगी। फिर ये सपोर्ट चाहे आपके स्टाफ का हो या आपको पेमेंट देने वाले लोगों का हो, अगर आप इस पेंटिंग को यहां लगाते हैं तो आप नई नई अपॉर्चुनिटीज को अट्रैक्ट करेंगे। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होगी और पैसा कमाने का जो एक फ्लो है ना वो आपका बना रहेगा। तो ध्यान रखिए कि एयर एलिमेंट की दिशा है, स्पीड से रिलेटेड चीजें जो हैं वो आप यहां पर रखें। और फेंग शुई से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, यहां पर आप सिल्वर कलर की विंड चाइम्स लगा सकते हैं क्योंकि एयर एलिमेंट की दिशा है वायु की। जब यहां पर वो विंड चाइम्स आप लगाएंगे सिल्वर कलर की, जिसकी बहुत ही स्वीट सी साउंड्स होती हैं, तो जब वो हवा से जब वो बजेंगी, जो उनकी स्वीट सी साउंड आएगी, तो वो बहुत ही ज्यादा गुड और पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगी। राइट, ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। अब हम बात करेंगे वेस्ट। वेस्ट की दिशा यानी कि पश्चिम की दिशा, पश्चिम की दिशा होती है सैटर्न की, शनि की दिशा होती है। यहां पर आप माउंटेन्स की पेंटिंग लगा सकते हैं। आपको ध्यान होगा लास्ट वीडियो में मैंने ईस्ट डायरेक्शन पे आपको माउंटेन की पेंटिंग लगाने से मना किया था, लेकिन आप वेस्ट की इस डायरेक्शन पे माउंटेन की पेंटिंग्स लगा सकते हैं। माउंटेन की पेंटिंग्स आप ऐसी लगाएंगे कि उसका फेस टुवर्ड ईस्ट हो,
मतलब ईस्ट की तरफ वो पेंटिंग, वो ऑब्वियसली आप वेस्ट की अगर वॉल पे लगाते हैं तो वो ईस्ट को ही फेस करेगी। यहां पर अगर आप ये पेंटिंग लगाते हैं तो ये पेंटिंग वास्तु की अगर हम उस देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत देने वाली पेंटिंग है, क्योंकि ये अगर हम इसको ईस्ट डायरेक्शन की तरफ अगर ये पेंटिंग देख रही है माउंटेन की, तो पैसों का जो एक फ्लो है वो एक जो पॉजिटिव एनर्जी है उसका फ्लो बहुत अच्छा वहां की तरफ जाता है। और साथ ही साथ जॉब और बिजनेस में, जॉब में प्रमोशन और बिजनेस में जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके गेन के लेवल को ये बहुत ज्यादा एनहांस कर देती है। यहां पर ये आपके ऑर्डर और प्रमोशन को दोगुना कर देगी। तो वेस्ट की वॉल पर आप माउंटेन की पेंटिंग्स लगाएं, इसे आप यहां पे गोल्डन फ्रेम में लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो अर्थ एलिमेंट की दिशा है, एक हैवी डायरेक्शन ये मानी गई है। हैवी डायरेक्शन है, यहां पर आप कोई भी जो वॉल पेंटिंग्स आप ऐसी लगाएं जैसे ऊंची ऊंचे बिल्डिंग्स हैं, ऊंचे ऊंचे टावर्स हैं या पहाड़ हैं ऊंचे ऊंचे, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बहुत ही ऊंची पहाड़ियां हैं, टावर्स, बिल्डिंग्स, उनकी पेंटिंग आप यहाँ पे लगा सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये अर्थ एलिमेंट की दिशा है, तो साउथ वेस्ट में आप अपने घर में आप यहाँ पर वुडन का अलमीरा और कैश बॉक्स रख सकते हैं। और इस तरह से रखिए वुडन का अलमीरा और कैश बॉक्स आप यहाँ पर, कि आपका वो जो अलमीरा का जो डोर है वो टुवर्ड नॉर्थ हो, नॉर्थ की तरफ वो खुलने वाला हो, क्योंकि मैंने बताया था आपको नॉर्थ की जो दिशा है वो धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है। तो आप अपना कैश बॉक्स, ज्वेलरी बॉक्स, कुछ भी हो वो वुडन का हो और आप अपना साउथ वेस्ट में रखें, और पैसा जो है वो पैसे को अट्रैक्ट करेगा, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो आप यहां पर इस दिशा पे हैवी हैवी आइटम्स और हैवी हैवी चीजें रखें। अब हम बात करेंगे साउथ, साउथ की दिशा यानी कि दक्षिण दिशा, ऊर्जा की दिशा, मंगल की दिशा। इस दिशा पे अगर आप रेड कलर के ब्लूमिंग फ्लावर्स, रेड कलर के फ्लावर्स की अगर पेंटिंग लगाते हैं तो वो आपको बहुत ही शुभ रिजल्ट देगी। इसके साथ ही मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि ये मंगल की दिशा है, अगर यहां पर आप पंचमुखी हनुमान जी की कोई भी बहुत खूबसूरत सी पेंटिंग अगर आपको आप लगाते हैं, तब भी ये पेंटिंग आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देगी साउथ की दिशा में। साथ ही मैं जब भी मैं कहीं वास्तु करती हूं तो मैं वहां पे सजेस्ट करती हूं कि साउथ साउथ वेस्ट का जो पोर्शन है वहां पर बेडरूम होना चाहिए आपका, ठीक है, बेडरूम। क्योंकि जब अगर आप वास्तु के टिप्स को फॉलो करते हैं तभी आप वेल्थ को अट्रैक्ट करते हैं। तो साउथ साउथ वेस्ट में मैं प्रेफर करती हूँ कि वहां पर मैं बेडरूम ही बनवाऊं, जो मास्टर बेडरूम है वो वहां पे बने। लेकिन उसके लिए भी कई चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं देखनी। नंबर वन, जो आपका बेड है वो आपका वुड का होना चाहिए और बहुत ज्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, हल्का होना चाहिए बेड। वो बेड आपका, कई लोग क्या करते हैं बहुत डिजाइनर्स बेड बनवाने की कोशिश करते हैं और साथ में राउंड शेप का बेड बनवाते हैं। राउंड शेप का बेड कभी भी फ्रूटफुल नहीं होता, तो अवॉइड करें कि राउंड शेप का बेड ना हो। बेड हमेशा आपका स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, और कोशिश करें कि बेड के नीचे आपके बॉक्सेस ना हो। अगर आप यहाँ पे बॉक्सेस भी बनवाते हैं तो कोशिश करें कि वो बॉक्सेस में आप जो सामान है ना, मैंने लोगों को देखा है कि हस्बैंड वाइफ इस चीज को लेके बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं कि उनके बीच में उनका उनके रिलेशनशिप जो है वो अच्छे नहीं है, बहुत बिटरनेस है, कड़वाहट है, अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं है, और रूम में एंटर करते ही उनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मैंने इस चीज को नोटिस किया है कि डबल बेड जो है, पहले तो जो डबल बेड के जो उनके मैट्रेस हैं सिंगल प्रेफर करने चाहिए कि वो सिंगल हो, डबल ना हो, ठीक है। अगर चलिए वो डबल है भी तो उसके बाद और कई चीजें होती हैं देखने वाली। उनका बेड का बॉक्स, बेड के बॉक्स में क्लटर या कोई भी सामान ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने कई बार देखा है कि उनके बेड में उन्होंने ऐसा ऐसा बॉक्सेस में भरा होता है जो शायद उन्होंने साल में
जरूरत भी नहीं होती उसको, कभी यूज भी नहीं करते उस सामान को, और खराब खराब इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी वहां पे रख देते हैं बीच पे, कि कुछ भी घर का जो सामान है वो बेड के बॉक्स में रख देते हैं। वो कभी नहीं रखना चाहिए। अगर आपको बेड के बॉक्स बनवाने ही हैं, वुडन के हल्के बॉक्स हों, और आप कोशिश कीजिए कि वहां पर सिर्फ लाइट वेट आपके कपड़े हों, और वो कपड़े भी आप वहां पर वो रखें जो आप रूटीन में यूज करते हों, या चलिए अगर 4-5 महीने के बाद भी जरूरत पड़ती है तो वो कपड़े आप वहां पर रखें, क्लटर ना करें। बॉक्सेस अगर आपको बनवाने हैं तो बहुत ही हल्के बॉक्सेस आप बनवाएं, उसमें कुछ भी ऐसा सामान आप ना रखें जो खराब हो या कभी आपने यूज, जैसे कई लोग बर्तन रख देते हैं, कुछ भी लोहे का सामान रख देते हैं वहां पे, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये ना सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग खत्म करेगा, रिलेशनशिप को खराब करेगा, बल्कि आपको, आप अगर किसी जॉब में है, बिजनेस में है, क्योंकि जब आप सोएंगे, आप झगड़ा करेंगे, आपका मूड अच्छा नहीं होगा, घर में शांति नहीं होगी, घर में शांति नहीं होगी तो बाहर जाके आप काम क्या करेंगे, ठीक है? तो जब काम ही अच्छा नहीं होगा तो वेल्थ को क्या अट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी नहीं। तो इससे आप इन चीजों का खास ध्यान रखिए। तो अभी हमने बात की है नॉर्थ वेस्ट की, वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ साउथ वेस्ट और साउथ की। अब जो हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं वो है साउथ ईस्ट की दिशा। साउथ ईस्ट की दिशा जो है फायर एलिमेंट, अग्नि तत्व की दिशा है। लेडीज के लिए ये दिशा बहुत अच्छी मानी गई है। अगर इस दिशा में आप, अगर लेडीज वहां पर, क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ वहां पे वास्तु के अकॉर्डिंग सबको कि किचन बनवाई जाए वहां पे, ठीक है? तो किचन में आपने देखा होगा कि लेडीज का मोस्टली टाइम किचन में निकलता है, और लेडीज अगर वहां पर प्रॉपर वे में किचन में काम करती हैं, सबसे पहले तो देखिए वेल्थ को अट्रैक्ट करने का एक सिंपल सा एक मेथड क्या है। अगर आपकी किचन वहां पे है तो आप अपनी किचन को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, किचन बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, जाले नहीं होने चाहिए। जो आपका फ्रिज है, जो फ्रिज आप अपनी साउथ की वॉल पे रखें, कोशिश करें कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होते हैं आपके किचन से, जैसे जूसर मिक्सर है आपका, या आपका कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक चॉपर है आपका, और इंडक्शन है आपका, और माइक्रोवेव है, ओवन है, ये सब चीजें आप कोशिश करें कि साउथ वाली डायरेक्शन पे, साउथ वॉल पे आपकी चीजें हों। फ्रिज जो है उसमें आप बहुत देर तक अपना जो खाने पीने का सामान है वो स्टोर करके ना रखें, फ्रिज को हमेशा आप साफ रखें। अगर आप इन चीजों, थोड़ी थोड़ी चीजों को भी अगर आप फॉलो करते हैं ना, तो आप वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे। लेडीज अगर अपना फेस टूवर्ड ईस्ट करके अगर खाना बनाती हैं, अगर उनका कुकिंग रेंज जो है, उनका चूल्हा जो खाना बनाने का है वो अगर ईस्ट की साइड पर है, और उनकी पीठ जो है टूवर्ड वेस्ट है, तो वो उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी। अगर वो गलत डायरेक्शन पे खड़े होकर खाना बनाती हैं, तो लेडीज के लिए मैं बोलूंगी उनका एब्डोमिन पोर्शन में उनको प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, उन्हें बीमारियां हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि डायरेक्शन जो खाना बनाने की लेडीज की वो बिल्कुल सही हो। और एक चीज, ये जो डायरेक्शन है साउथ ईस्ट की, वो लिक्विड कैश को भी डिनोट करती है, उसको भी ये हम उसको लिक्विड कैश की दिशा भी कहते हैं। तो यहां पे अगर आप माता लक्ष्मी जी की बहुत खूबसूरत सी अगर कोई पेंटिंग लगाते हैं, तो वो भी आपकी वेल्थ को जो है अट्रैक्ट करेगी। और एक चीज मैं आपको बताऊं कि साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो जॉब और बिजनेस में आपके डिसीजंस कैसे हैं उसको भी शो करती है, क्योंकि आप किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए अपने थॉट्स को बहुत सारे प्रोसेस में से गुजरने के बाद एक फाइनल डिसीजन पर पहुंचते हैं, एक जिसे कहते हैं चरण, मंथन करते हैं आप उस चीज को। लेट मी क्लियर यू, आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में मलाई में से मक्खन और लस्सी निकालने के लिए लेडीज मधानी का इस्तेमाल करती थी। अब तो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक चीजें आ गई हैं, कोई जरूरत ही नहीं पड़ती उन चीजों की, लेकिन मधानी होती थी जिससे वो मक्खन और लस्सी निकालती थी। तो ऐसे ही अगर पेंटिंग अगर ऐसी आप लगाते हैं चर्न की, मंथन की, तो ऐसी पेंटिंग आपको आपके जो डिसीजंस हैं, आपका जो थॉट प्रोसेस है, वो कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद एक जो डिसीजन है, आप वो राइट डिसीजन लेंगे। तो कोशिश करें कि इस तरह की कोई पेंटिंग आप अपनी इस वॉल पर लगाएं।
यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि आप लक्ष्मी जी की पेंटिंग भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक लिक्विड लिक्विड कैश के लिए हम इस दिशा को मानते हैं। और किचन का जो आपको मैंने बताया कि लेडीज जो काम करती हैं किचन में, वो किचन बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, और उसमें किसी भी तरह का, रात को भी अगर आप किचन में काम करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उसको साफ करके आप, एटलीस्ट अगर आपकी मेड भी आती है तो आप किचन को साफ करके रात को थोड़ा बहुत क्लीन करके आप सोएं, तो आप देखेंगे कि आप, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आप वेल्थ को भी अट्रैक्ट करेंगे, हैप्पीनेस भी रहेगी, घर में सुख शांति रहेगी। तभी अगर आप लेडीज भी अगर वर्किंग है या जेंट्स घर के लोग वर्किंग हैं, तो अगर आप घर में इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, इन टिप्स को अगर आप फॉलो करते हैं फेंगशुई के अकॉर्डिंग या वास्तु के अकॉर्डिंग, तभी आप माइंड से भी कूल रहेंगे। घर में अगर शांति रहेगी, झगड़े नहीं होंगे, माइंड से कूल होंगे, तो ऑब्वियसली देखेंगे कि आप काम अच्छे से करेंगे, काम अच्छे से करेंगे तो आप वेल्थ को अट्रैक्ट करेंगे, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी।